क्या कह रहे हैं आप? नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? माइक है क्या? माइक है, माइक ले लो। अब दे दो माइक, वो तो ले आओ। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, फिर आवाज आ जाएगी। धन्यवाद साथियों, आप सब यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कल शाम को कर्नाटक राज्य में प्रचार समाप्त हुआ है और कल यानी 10 तारीख को वहाँ पर मतदान है। कर्नाटक में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर स्पष्ट है कि वहाँ जनता बदलाव चाहती है और वहाँ की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी और हमारी पार्टी का नेताओं का जो धुआंधार प्रचार हुआ, उसको देखकर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो बहुत भारी बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार हम लोग बनाएंगे। कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से डायरेक्ट फाइट भाजपा कांग्रेस की है और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वहाँ कैंपेन किया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सब नेता छोटे बड़े वहाँ गए, लेकिन जो मुद्दे थे उसको कांग्रेस ने उठाया और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अब तक का जो बहुमत हमको नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिलेगा। इस प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे साहब के को धमकी दी गई उनको, उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए, तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूँ और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे। और खारगे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है, सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी, तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने
जी जान से कोशिश की और मेहनत की, और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100-100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूँ। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया इस सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉरपोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं, 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपये में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा, और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था, आप सब जानते हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय, उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो उस बात को दिखलाता है, अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है, किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर उनका बखान करूं, ये शोभा नहीं देता, ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसीलिए
मैं आप जानते हो पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन के इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों मैंने निर्णय लिया है कि RPSC, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पे तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित RPSC है, मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और जैसा मैंने शुरू में कहा जनता जनार्दन है तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है, जन संघर्ष यात्रा, लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए, उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। पद यात्रा है, जन संघर्ष पद यात्रा 11 मई को मैं अजमेर से शुरू करूंगा और हम जयपुर आएंगे। लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है, जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इशू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूँ, उनके बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। ये पायलट साहब अशोक गहलोत जी ने एक बात और कह दी जिसका पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो राजनीतिक उत्सुकता यही बनी हुई है कि आपका स्टैंड क्या रहेगा, पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे। साहब मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमज़ोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक इश्यूज़ पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ, जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हजोड़ कर किया, अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल दो साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है
अगर वो सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूँ कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही है, वो कह तो रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने शुरू में कहा, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यात्रा नौजवानों के पक्ष में है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। मैंने कहा है हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं, अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में, 8 महीने। मैंने कहा ना आपको शुरू में, भाई करप्शन तो कहीं पर भी हो उसके विरोध हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हम तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, तो उस पर हमें खरा उतरना है। और जो मुद्दे संज्ञान में आए थे, मैंने पूरा लिस्ट पिछली बार आपको किया था, उनमें से कहीं कहाँ कार्रवाई हुई है? भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने इतना कहा कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कोई कारण तो होगा ना, जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूँ सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कारण थे? वो कारण सामने आ गए। सर उसी भाषण में, सर पायलट साहब उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि AICC से पैसा दिलवा देंगे, उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा। इसका जवाब ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं किसी पर आरोप लगा दूं कि इसने 1000 करोड़ खा गया, 10000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया, उसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर तथ्य प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं करी? और ये जो पैसे की बात है, जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज़ में पैसा नोट दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक इमेज भी कुछ होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर तक चलती आई हो, उनको हर चीज़ में अगर पैसा दिखता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं 3 साल से बातों को सुन रहा हूं, मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है, अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी, इंतजार किस बात का है? और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं समझना चाहिए, उनकी 30-40-50 साल की राजनीति है। हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं, पब्लिक के सामने काम किया है, अगर कोई उंगली उठा सकता है बता दे हमारे को। इस तरह के आरोप लगाने से सुन ले मेरे बात। अरे मैं कह रहा हूँ, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए, अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने भी? पायलट साहब ये आरोप लगाना, सुनिए मेरी बात, विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जी जिनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी हमसे 6 महीने के बाद? इसी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना कोई बहुत गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। सर आप लोग ये मानहानि का दावा करेंगे, इसका मानहानि का क्या करें? मैं कह रहा हूँ ना, एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार गिरा रही थी, दूसरा आरोप, दूसरी बात कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार बचा रही थी, तो मैं समझ रहा हूँ बोलना क्या चाह रहे हैं।
कौन गिरा रहा था, कौन बचा रहा था, हमारा सब समझौता दिल्ली में हो गया, कमेटी ने निर्णय ले लिया, हम सब समझौते के बाद जयपुर आए, सदन में पेश हुए, हम सब ने एक स्वर से अपनी सरकार का समर्थन किया, हर मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, राज्यसभा का चुनाव हो, मध्य विभाजन हो, हर जगह 2.5 साल से हम सब लोगों ने अपनी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रखा। मैं तमाम अपनी आलोचना सुनने के बाद जो जो मुझे कहा आप सब जानते हैं, मैं भी तर्क दे सकता था, जवाब दे सकता था, लेकिन शासन में रहा, मुझे पार्टी की चिंता है, सरकार की चिंता है, इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन इस प्रकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई किसी का चरित्र हनन करेगा तो उसका जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। क्या आपको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मैं यात्रा निकाल रहा हूँ पब्लिक इश्यूज को लेकर, और मैंने कहा ना अगर कोई चाहता है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उस कोशिश को हम नाकाम करेंगे। अरे निकाल।